हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्टडी मटेरियल आज मैं कुछ नया वीडियो लाई हूँ जो सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो ट्रिपल सी और ओ लेवल क्यों करते हैं इस पर बेस्ड है एंड बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी और ओ लेवल करते हैं बट उनको पता ही नहीं होता है इसका यूज़ क्या होता है ये कहाँ यूज़ होता है किस सेक्टर में यूज़ होता है और इन फ्यूचर इसकी नीड क्या होती है तो ये सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आज इस वीडियो में दूंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पहला क्वेश्चन है कि वाई वी डू दिस कोर्स तो ये कोर्स हम क्यों करते हैं ये कोर्स का मतलब क्या है तो मैं आज बताऊंगी आपको कि ट्रिपल सी और ओ लेवल का मींस क्या होता है ट्रिपल सी और ओ लेवल ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब आती हैं एडियो वीडियो लेखपाल या एसएससी के से रिलेटेड भी जो बाबू की जॉब आती हैं या लो ऑफिसर्स की जॉब आती हैं बी ग्रेड की और सी ग्रेड की इस तरह की जॉब आती है तो इसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट तो, की नीड होती है और जो ओ लेवल का डिप्लोमा होता है वो किस लिए होता है वो जैसे ऑफिसर की जॉब होती है आपके एसएससी में ऑफिसर की भी जॉब आती है या बैंक्स में मैनेजर की जॉब होती है पीओ की जॉब होती है तब हमें ओ लेवल का बहुत नीड हो नीड होती है ओ लेवल के डिप्लोमा की जो बच्चे बैंक की या एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ट्रिपल सी और ओ लेवल बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्वालिफाई करें और इसका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ही आता है एक हमारी वेबसाइट होती है नीलेट और डोएक नीलेट और डोएक दोनों ही सेम वेबसाइट हैं ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से हमारा ट्रिपल सी और ओ लेवल का हमारा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आता है ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन है कि वाई व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कोर्स क्या यूज़ हैं आपके इस कोर्स के आप जब ये कोर्स करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज भी मिल जाती है ट्रिपल सी में क्या है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट तो बेसिक नॉलेज जो आप आप कहीं इंस्टीट्यूट में सीखने जाओगे आप उसके लिए पे करोगे तो ये मेरे वीडियोज से आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी बेसिक में फ़ंडामेंटल्स मिल जाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस का मीन्स है एम एस वर्ल्ड एम एस एक्सल एम एस पावर पॉइंट और अबाउट द इंटरनेट इंटरनेट के बारे में भी आपको यहाँ से ही नॉलेज मिल जाएगी मेरे वीडियो से तो ट्रिपल सी पूरा बेस्ड होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर ठीक है उसके बाद आते हैं ओ लेवल पे, तो ओ लेवल पे क्या होता है ओवल ओ लेवल क्या होता है बेटा कि इसमें चार पेपर होते हैं ओ लेवल में सबसे पहला पेपर होता है आईटी टूल का दूसरा होता है वेब डिज़ाइनिंग का तीसरा होता है सी लैंग्वेज का इसमें लैंग्वेजेस होती हैं और फोर्थ पेपर होता है हमारा आई सी टी रिसोर्सेज जिसमें हार्डवेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होती है तो ये चार पेपर होते हैं ये चार पेपर के बाद आपको आ, एक प्रैक्टिकल होता है फिर वाइवा होता है और एक होता है प्रोजेक्ट सबमिशन पूरी डिटेल में मैं बता रही हूँ कि इसका क्या, आ, क्या 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 इस कोर्स में होता है तो ये जो ओ लेवल का कोर्स होता है ये ऑफिसर बेस्ड जॉब जितनी भी होती हैं उसमें ये ज़रूर Uh, मांगा जाता है कि आपने ओ लेवल किया है कि नहीं किया है ओके okay? फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ नीड ऑफ़ दिस कोर्स इन फ्यूचर तो फ्यूचर में क्या नीड है आपका कोई भी बैंक का फॉर्म भर रहे हैं या आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं या आप एडियो वीडियो या लेखपाल की फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें ट्रिपल सी तो बहुत ही जरूरी है और ओ लेवल भी बहुत ही जरूरी है जब ऑफिसर लेवल की जॉब करेंगे आप तो वहाँ पर ओ लेवल ही मांगा जाता है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता और जहाँ आप बी ग्रेड सी ग्रेड की जॉब करते हो डी ग्रेड की जॉब करते हो तो उसमें क्या है कि आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से नीलेट से आ, नीलेट से वैल्यूबल होना चाहिए वो सर्टिफिकेट आप किसी इंस्टीट्यूट से करके नहीं ले सकते हो ठीक है आपको गवर्नमेंट ही आपको नीलेट ही देगी आपको अगर किसी गवर्नमेंट से आ, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स करते हो ट्रिपल सी या ओ लेवल तो वो वैल्यूबल नहीं होता है ठीक है क्योंकि आप जो भी फॉर्म भरते हो वो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होता है तो ये कोर्स भी क्या है गवर्नमेंट से ही ए, से ही आपकी कोर्सेज हैं तो इसलिए गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ही आपके फॉर्म में आपके इन फ्यूचर लगते हैं ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ यूज़ ऑफ दिस कोर्स प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर तो मैं बता दूं ये कोर्स आपके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जब आप कोई प्राइवेट कंपनीज़ में जाते हो तो आपसे वो मांगते हैं सबसे पहले कि कोई कोर्स है आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो आप अगर बताओगे कि नहीं मैं ओ लेवल करा है करी हूँ या किया हूँ या ट्रिपल सी किया हूँ तो ये रहता है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के ही सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होते हैं तो ये बहुत ही वैल्यूबल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट में तो ये चीज़ें जब आपको मांगी जाती है नीड होती है तो आप देते ही देते हो पर प्राइवेट सेक्टर में इसका भी बहुत बड़ा यूज़ है अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है पर जो कोई बड़ी कंपनीज होती हैं जो कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ओ लेवल और ट्रिपल सी का बहुत ही वैल्यू है तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो इसलिए लाई थी कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं और जो नहीं करते तो उनको पता ही नहीं होता है कि वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिपल सी एंड ओ लेवल तो आज के लिए वीडियो इतना ही था मेरा और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सी किस लिए होता है ओ लेवल किस लिए होता है दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल